अगर मेरी शादी कभी भी होगी तो मुझसे ही बता दी जाएगी आपको कि वो हो रही है। मेरे चैनल्स है, वेरीफाइड चैनल्स है, और जब भी होगी आपको डायरेक्टली बता दी जाएगी। पर अदरवाइज सब रूमर्स है, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे बहुत सपने हैं। हाँ, हम ये भी मानते हैं जब लिखा है तब होना ही है, पर अगर आपके खुद के हिसाब से सोच की बात कही जाए तो अभी ऐसी कोई सोच नहीं है मेरी कि शादी के बंधन में मैं बंध जाऊँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेंगे, क्योंकि साधु या साध्वी या संत मैं अपने आप को नहीं मानती। मैं एक बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ। मैंने कहा नॉर्मल है तो शादी भी होगी, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा, पर अपने टाइम पर होगा। उस टाइम का इंतजार करिए। और रूमर्स के बारे में ये आपने सुना जया किशोरी जी का विचार, अभी आप सुनिए बागेश्वर धाम सरकार क्या बोलते हैं अपनी शादी के बारे में। ना हम भगवान हैं, ना हम गुरु हैं, और संत तो हम है ही नहीं है। ना तो हमने काऊ महात्मा की लंगोटी लई, ना काऊ महात्मा को चमीटा लो, ना काऊ महात्मा की खड़ाऊ ले, और संत तो हम है ही नहीं है। आज एक और बढ़िया होगा, आज गुरु जी हमारे ब्याह की जय बोल गए। आओ और हद तो जा हो गई। गाड़ी में बैठे बैठे भी गुरु जी कह रहे थे, बोले डेट ऐसी रखना विवाह की कि हम बारात में आ सकिए, ताकि हम ठुमका लगा पाए। बाहर में गाओ तुम, और करो तैयारी, अपन हाँ चल रहे हैं, लेकिन गाना बदलवाने पड़े है। आज मेरे यार की शादी की जगह तुम्हें गाँव बनवाने पड़े, आज मेरे गुरु की शादी। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर